आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन और स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा था। उसे शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वो राजा अपने सरदार और कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल की ओर निकला। वो काफी दूर तक शिकार की खोज में चले गए। ज्यादा दूर तक चलने से सभी को प्यास लगने लगी। सभी ने जंगल में पानी खोजना शुरू किया। फिर एक सैनिक को रास्ते पर एक कुआं दिखाई दिया। सैनिक ने राजा को ये बताया कि वहां पर एक कुआं है जहां से हम अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं। राजा ने उस सैनिक को आदेश दिया कि वहां से उसके लिए पानी लाए। सैनिक राजा के आदेश की पालना करते हुए उस कुएं के पास गया। वहां पर सैनिक ने देखा कि एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति रास्ते से जाने वाले लोगों की जलसेवा कर रहा है। सैनिक उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और बोला, ऐ पनिहारे, एक लोटा पानी दे, हमें कहीं आगे जाना है। ये सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति ने जवाब दिया, यहाँ से चला जा मूर्ख, मैं ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाता। ये सुनकर सैनिक तुरंत वहाँ से चला गया। ये बात सैनिक ने राजा के सरदार को जाकर बताई। फिर सरदार उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास गया और कहा, ऐ बूढ़े, हमें प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे। ये सुनकर उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति ने फिर पानी पिलाने से मना कर दिया। राजा की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। राजा ने अपने सरदार से पानी के बारे में पूछा तो सरदार ने राजा से कहा कि उस कुएं पर एक नेत्रहीन व्यक्ति है जो पानी पीने से मना कर रहा है। ये सुनकर राजा अपने सैनिक और सरदार के साथ उस नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के पास जाता है और उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है, बाबा जी, हमें बहुत प्यास लगी है, गला सुखा जा रहा है, यदि आप थोड़ा पानी पिला देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ये सुनकर उस नेत्रहीन व्यक्ति ने राजा से कहा, आप बैठिए, मैं आपको अभी जल पिलाता हूँ। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक राजा को बैठाया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सैनिक व सरदार है और राजा मैं हूँ। तो इसका जवाब उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इंसान की पहचान करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, उसकी वाणी ही उसकी असली पहचान होती है। ये सुनकर वहां पर मौजूद सरदार व उस सैनिक को शर्म महसूस हुई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अंत में बोलना चाहूंगा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।